नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पंकज पेट्रोल चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ईद क्यों मनाई जाती है, कड़वा सच, रमजान से लेकर ईद तक क्यों बकरे की बलि हत्या दी जाती है। स्पष्ट संक्षेप में दोस्तों एक पेज में एक निबंध भी लिख सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आज बने रहिए इस वीडियो के साथ, आज इस कड़वे सच को हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा सच कोई नहीं बताएगा। दोस्तों ईद एक मुसलमानों का धार्मिक त्यौहार है। ईद के पहले रमज़ान आता है जो पूरे एक महीने 30 दिन का रहता है, जिसमें सभी मुसलमान रोज़ा रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। रमज़ान के बीतते ही ईद आती है। क्यों? लोगों के अनुसार कहा जाता है कि मोहम्मद हजरत के जीतने की खुशी में यह मनाया जाता है, तो रमज़ान क्यों पहले और रमज़ान ईद से जोड़ देते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और ईद में बकरी की बलि क्यों दी जाती है, बकरे की हत्या क्यों दी जाती है, सही है या गलत है? तो दोस्तों बने रहिए, थोड़ी और पंक्तियों में हम इसको संक्षेप में बता देंगे। रमज़ान में भूखे प्यासे अल्लाह के लिए और अपनी कामयाबी के लिए रोज़ा रखते हैं, लेकिन बकरी की हत्या इसलिए करते हैं ताकि उस दिन अल्लाह ताला को प्रसन्न किया जा सके और उस बकरे को प्रसाद मानकर बंटवाया जाता है, अपनी कामयाबी सफल हो सके। दोस्तों कामयाबी के लिए भी और अल्लाह ताला के लिए भी यह बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन एक जीवित जीव की बलि देना गलत है। दोस्तों गलत है, जीवित जीव की हत्या करना पाप है, या अल्लाह भी और ईश्वर भी कहता है। दोस्तों इस बात पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह सही है या गलत। दोस्तों या एक निबंध भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।